बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज के लेसन के लिए तैयारी पकड़ लें जी, किताब का सफ़ा गौर से देख लें। और जो प्रैक्टिसेस हमने पिछले लेसन में की थी, जिसमें हमने कुछ स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बात की थी, और एक मैंने आपको होमवर्क के लिए वर्कशीट दी थी जिसमें क्या बना हुआ था, एक स्नेक। यस, और वही स्नेक आज आपकी किताब के सफ़े पे भी तैयार है और वेट कर रहा है आपका कि आप आज इसके बारे में बात करें। तो किस किस को पता है कि स्नेक क्या होता है? इट्स एन एनिमल। यस, इसकी कोई लेग्स होती हैं? नहीं। ये तो फिर ये कैसे चलता है? इसकी जो बॉडी होती है वो तो जमीन के ऊपर ऐसे रेंगती है, ऐसे चक्कर के अपनी बॉडी को मूव करके मूवमेंट करके आगे जाता है। तो क्या आपको ये पता है कि स्नेक जो है, या स्नेक जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी जो, जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव को आगे रखते हैं, फिर दूसरा पाँव आगे आता है, ऐसे ही है ना। लेकिन स्नेक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, स्नेक अपनी दुम का जो पिछला हिस्सा है उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे से आगे नहीं बढ़ते, है ना मजे की बात। ये आपने जरूर घर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने घर वालों के साथ शेयर करनी है कि स्नेक कभी भी आगे से अपने आप को पुश नहीं करता, वो अपना सारा जोर अपनी दुम से लगा के, तो वो जो उसका वेव है वो उसकी बॉडी को आगे पुश करता है, है ना इंटरेस्टिंग। तो टीचर्स ऐसे छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों को जरूर दिया करें, क्योंकि बच्चों के लिए ये जनरल नॉलेज है और अपनी दुनिया को जानना इनका हक है। सो किताब के सफ़े पे आज बना हुआ है एक नॉटी सा स्नेक, और उसके साथ शाइन कर रहा है एक गरम गरम येलो येलो सा सन। और इसके साथ साथ आपको क्या नजर आ रहा है? इस साउंड का फेस, वेरी गुड। और इस साउंड की आर्ट की एक्टिविटी के साथ साथ होमवर्क कॉर्नर का बॉक्स भी इसमें मौजूद है। सो टीचर्स, ये तमाम एक्टिविटीज आज बच्चे करेंगे, तैयारी पकड़ लीजिए, टास्क इज गोइंग टू बी रियली रियली फन। सो आज के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम टीचर्स क्या हैं? वो ये हैं कि चूंकि अब इनको इनिशियल साउंड, जिसको हम पिछले लेसन में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम उस साउंड का फेस दिखा रहे हैं, तो हमारी लाइब्रेरी सर्च भी चेंज हो जाएगी। आज वो साउंड का फेस की रिकग्निशन का डे है, इसलिए इस साउंड को देखते ही सही तरह से इसको अदा करना, इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी को समझना और डिफरेंट वोकैबुलरी में से इस वाली को आइडेंटिफाई करना इनका टास्क है। तो चलिए जल्दी से बच्चों मुझे बता दें कि ये इसकी साउंड का कौन सा वर्ड है, व्हाट इज इट? इट्स अ सैंडविच। यस, कौन कौन लंच में आज सैंडविच लेके आया है या किससे सैंडविच खाया है? गुड, वंडरफुल, सैंडविच। ओ माय गॉड, दिस इज द नॉटी स्नेक अगेन। ये बार बार मुझे तंग कर रहा है, वो कह रहा है ये बच्चे मुझे प्यारा सा कलर करके लाए हैं, टीचर्स जरा आप देख तो लें। तो क्या आपने अपनी वर्कशीट में प्यारा सा कलर किया है? वो मिस्टर स्नेक इज वेरी वेरी हैप्पी, गुड, वेरी वेरी वेल डन। सो टीचर्स, अभी आपने क्या करना है, स्टोरी बच्चों के साथ रिवाइज करनी है, या अगर आपने ऑलरेडी एज अ वार्म अप कर ली है तो दैट वुड बी वंडरफुल। इफ यू वॉन्ट टू पॉज दिस वीडियो यू कैन पॉज इट हियर, अदरवाइज इफ यू हैव डन दिस वार्म अप देन वी कैन कंटिन्यू। आइए देखते हैं अब हमने क्या करना है। जो स्टोरी हमने सुनी थी, कुछ कैरेक्टर्स हमें याद थे, अभी हम कुछ वर्ड्स को दोबारा देख लेते हैं जरा गौर से, क्योंकि अब हमने इस साउंड का फेस भी देखना है। सन, स्नेक एंड स्ट्रॉबेरी, गुड। सो दिस इज द फेस ऑफ द साउंड। नाउ सी, जैसे आप आवाज निकालते हैं वैसे ही इसका फेस है, इट्स जस्ट लाइक अ स्नेक। इसलिए मिस्टर स्नेक इतने हैप्पी थे क्योंकि जो साउंड का फेस है वो भी उनके जैसा है। सो हाउ डू वी राइट इट? वी स्टार्ट, वी गो राउंड, टर्न एंड देन वी स्टॉप। कैन यू मेक इट इन द एयर? जैसे जैसे आप शेप बनाए वैसे वैसे साउंड भी निकाले, दैट्स वंडरफुल। सो टीचर्स, डू यू सी, learning is so much fun when we are being a little creative for what we are doing. So ye activity jo humne ki thi tamam sounds ki, ab inki sound jaldi se bata de. Very very good. So now teachers, what you have to do is, aaj inhone ki jo sound hai iska face dekh liya, so now give them a lot of flashcards for the letters and they will pick out the ones jo ki aaj ka face hai,
और एक पोएम बच्चों ने जो करनी है अभी मेरे साथ एक्शन से सिंग करके, ये बहुत पुरानी पोएम है, ये मैंने भी स्कूल में की थी, आपके टीचर ने भी की थी, सो लेट्स सिंग इट वंस अगेन एंड वी विल डू सम एक्शन। सो टीचर्स, अगर आपने कोई स्टार के कटआउट्स या प्रॉप्स बनाए हुए हैं या स्टार के स्टिकर्स बच्चों के पास हैं तो वो उनको भी यूज कर सकते हैं वाइल सिंगिंग दिस पोएम। सो लेट्स सिंग द पोएम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, किस किस को इस पोएम के एक्शंस आते हैं जरा जल्दी से मुझे करके दिखाइए, मेरे साथ दोबारा सिंग करेंगे क्योंकि ये पोएम मुझे बहुत पसंद है। So, I'm gonna sing it again. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. So twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Well done, well done. Shabash! What a wonderful class I have. So now let's continue and see what is the task for today. So teachers, aaj bachchon ne sound ka jo face hai wo dekh liya, ab I will leave this up to you ki aapne bachchon se iske face ki recognition ki activities khub acche tarike se karani hai. Ek art activity di gayi hai kitab mein aur ek art activity aapke suggestion ke liye yahan pe di gayi hai presentation mein. Teachers aapko cut out dengi aur aap apna ek colorful sa snake banayenge, theek hai ji? Have fun and enjoy it. Make sure you're also practicing in the sand tray, क्योंकि आपने आगे next lesson में क्या करना है, day 3 में हम करते हैं writing का task. इसलिए थोड़ी थोड़ी writing आपको आ जाए, worksheet भी दूंगी और फिर देख के आपको पहचान हो जाए तो story में से आप इस sound का face भी circle करके लेके आएंगे. तो आज काफी सारा काम है आपके पास करने के लिए, लेकिन अब आप smart हो चुके हैं, quick हो चुके हैं, so you will be quick with that and make sure complete the activities. Take care and Allah Hafiz.